ये है बिफोर लुक आपके सामने जो कंपनी से आती है, और आफ्टर लुक ये है जो इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। जेन्युइन पावर विंडो, प्रॉपर वर्किंग मिल रही है आपको। इसके अंदर हमने आईपीएच का प्रोजेक्टर डाल दिया, उसका डीआरएल जो डाला है मिलिंग वाली डाली है। तो इसकी ऑन पे क्या कुछ लुक मिल रहा है देख सकते हो भाई, क्या प्रीमियम लुक तरीके से ये ऑन हो रही है। रिस्पॉन्स दिखाया था, तो ये है कुछ फॉगलाइट का रिस्पॉन्स, तो आप फॉगलाइट पे भी इजिली ड्राइव कर सकते हो भाई। इसको ऑन ऑफ करना, तो ये है कुछ चेंज, फिर से चेंज करना भाई, तो भाई ये क्या ब्राइट सेटअप है भाई। ये देखो, ये है ओनली अपना हेडलाइट का रिस्पांस। बात करें देखो, आपको ये कलर चेंज मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉल करा गया प्रोजेक्टर विद अपना एचआईडी। तो भाई लेवलिंग ऊपर तक जाने वाली है, और अपना डिपर मारना भाई इसमें अब एक बार। तो भाई ये देखो क्या ब्राइट सेटअप यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये कुछ अच्छी लुक आ रही है अपने स्पॉइलर की यहाँ पर देखने के लिए, क्या कुछ लुक यहाँ पर इनहेंस कर चुके हैं डिजायर की। ऊपर जो हमने रूफ किया है ये भी हमने बेज के अंदर ही किया है। प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं। अगर इंटीरियर के अंदर आते तो लमसम 15-16 हज़ार रुपए आपको चाहिए इंटीरियर के अंदर ऑल ओवर में। ठीक है, 4,000 रुपए में सिंपली अपनी गाड़ी के अंदर आप आमरस ये इंस्टॉल करा सकते हो। भैया हेडलाइट के ऊपर डिमांड करता है, मतलब स्टार्टिंग में आती है 8,000 रुपए से। बहुत बढ़िया और एकदम स्पोर्टी लुक लग रहा है, जितना मैं चाहता हूं उससे बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरे। और बजट में काम हुआ सर आपके? बजट में काम हुआ है। और हेडलाइट कैसे लगी मॉडिफाई वाली? अतुल भाई के पास अपने A4 कार एक्सेसरीज पे और अपने डिजायर हमें लेके। बिल्कुल फुल पावर मॉडिफिकेशन आज फिर हमारे गाड़ी में नेक्स्ट लेवल पे आज काम होने वाला है, वो भी तहलका के साथ और पूरी पावर के साथ। क्या कुछ अपग्रेड करने वाले भाई इस गाड़ी के अंदर? पहले तो बताना चाहूंगा भाई लेके आए स्पेशली ZXi गाड़ी, डिजायर ZXi लेके आया, उसके बाद इसके अंदर डबल मेहनत और कराने वाले हैं। जैसे कि देख लो पूरी गाड़ी पे अपने डैम्पिंग होने वाली है, बोनट भी डैम्पिंग है भाई, बोनट डैम्प अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए। हेडलाइट मॉडिफिकेशन हो रहा है, पूरी गाड़ी डैम्पिंग हो रही है, पूरी गाड़ी अंदर से इंटीरियर हो रही है, उसके बाद नीचे फॉग लाइट में हम 3-in-1 जो अपने गाड़ी में ठीक है M617 सिंपली इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले। और हेडलाइट की बात करूँ, इसमें कस्टमाइज ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ जो इंस्टॉल करेंगे, DRL इंस्टॉल करने वाले इस जगह पे जो अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करा था। तो इसमें अपना इंडिकेटर और अपना नॉर्मल पार्किंग फीचर दोनों मिल जाते देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा इस तरफ से आओ भाई यहाँ पर, तो आपको लुक दिखा दूँ क्या कुछ लुक में भी सिंपली यहाँ पर गाड़ी अपनी आ रखी है। अभी आप रॉ लुक देख लो, कैसे कुछ रॉ लुक मिल रही है अपनी कार की। अपनी रूफ कोई रैप नहीं है यहाँ, कोई सीट कवर इंस्टॉल नहीं करे गए, अभी इसके अंदर सीट कवर इंस्टॉल करने वाले भाई। बिल्कुल सीट कवर इंस्टॉल करने वाले हैं, फुल पावर और पूरी गाड़ी अंदर से इंटीरियर सीट कवर भी आप देखोगे प्रॉपर वर्किंग के साथ। इसके अंदर हम लोग आमरेस्ट भी इंस्टॉल करने ठीक है, आमरेस्ट भी इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले, वो कस्टमाइज ऑप्शन जो मैंने आपको हर वीडियो के अंदर दिखा रखा है। रूफ की बात करें भाई, रूफ पे क्या कुछ करने वाले भी? रूफ में सर हम इसके अंदर जैसे अपने गाड़ी का फैब्रिक लगाया था ना रूफ में, तो वही कवर करने वाले वापस से। ठीक है, इसके ऊपर भी अपना पूरा यहाँ पर रैप कर देंगे अपनी पूरी रूफ रैप। फ्लोरिंग होगी अभी, ठीक है फ्लोरिंग, और नीचे अपना फ्लोर डैम्प भी कर रहे हैं इसके अंदर? नहीं फ्लोर डैम्प नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम फ्लोरिंग करेंगे। ठीक है, 70 मैट वगैरह इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। बाकी अपने डोर पैनल्स की लुक दिखा दूं, ऊना मिंडा की डैम्पिंग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस डुअल लेयर डैम्पिंग है अंदर की तरफ भी, और बाहर वाला सरफेस भी पूरा कवर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर अभी एंड्रॉइड कंपनी से लग के आया है, उसके बाद भी हम इसके अंदर फिर से जीवा का एंड्रॉइड डालने वाले हैं जो 232 रहने वाला है। ठीक है, मतलब सिंपली जो स्टॉक अभी आया हुआ उसको रिमूव कर देंगे यहाँ पर, और अपना एंड्रॉइड इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले है। तो भाई ये रखा अपना जीवा का एंड्रॉइड, स्पेशली बात कर ले भाई 9 इंच के अंदर रहने वाला है, 2+32 एप्पल कारप्ले इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे विद अपना फ्रेम के साथ रहने वाला है। ये कपलर है, प्लग एंड प्ले रहेगा, कटिंग स्टेम 1% नहीं मिलने वाला। स्पीकर्स की बात करें अल्फा इन्फिनिटी इन्फिनिटी अल्फा। ठीक है भाई, तो आगे कंपोनेंट पीछे को एक्सल पूरी सेटअप डालने वाले। ठीक है, फुल सेटअप इसके अंदर कंप्लीट करने वाले। स्टॉक जो अपने स्पीकर्स आए थे इनको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अंदर अपने पावर विंडो एयर हैंडल सब कुछ पहले से था, वरना चाहिए जेन्युइन मिल जाएंगे सारी अवेलेबल है डिजायर के अंदर, जो आपको चीज सब मिलेगा। ठीक है भाई, जेन्युइन पार्ट्स A to Z एंट्री आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। बाकी बैक एंड में बात कर ले भाई, बैक एंड में क्या कुछ कर रहे हैं? बैक एंड में भैया यहाँ पे मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर लाइट डाल रहे हैं जिसके अंदर पीछे की तरफ से, तो अभी मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर के यहाँ पर कनेक्शन चल रहे हैं, पीछे डिफ्यूजर डलेगी और अपनी गाड़ी पूरी मतलब अंदर से फुल पावर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सब होने वाला है। तो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको अल्टीमेट लेवल की मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। बेस मॉडल में तो भाई ऑप्शंस अपने पास A to Z रहने वाले हैं। किसी भाई को चाहिए हो सेम लेवल्स मिल जाएंगे बेस मॉडल के लिए, ऑर्डर पे मिलेंगे या फिर रेडी स्टॉक है? ऑन ऑर्डर सिंपली आपको ये अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। आना कहाँ पर है भाई? करोल बाग अब्दुल अजीज रोड A4 कार एसोसिएशन फर्स्ट स्टॉप, सारा मॉडिफिकेशन डीआर का आपको चैलेंज। ठीक है भाई, तो सिंपली ऐसी कुछ वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको अल्टीमेट लेवल की मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। सारा काम फिर से बता दो कहाँ पर हो रहा है, A4 कार एसोसिएशन पे भाई। यहाँ पर देख लो क्या कुछ लुक आ रही है गाड़ी की, सब कुछ खोल दिया इसके अंदर भाई, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये वाले पार्ट इंटीरियर होने जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे डिसमेंटल कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए सारे पार्ट्स अपने,
इंटीरियर के लिए जाने वाले हैं। नीचे अपना फ्लोरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, रूफ अपनी पूरी खुल चुकी है, प्लस इसके ऊपर भी अपना कपड़ा भी लगाया जाएगा ब्लैक फिनिश के अंदर, और फुल इंटीरियर इस गाड़ी में आपको देखने में मिलने वाला है। भाई मैं यहाँ पर आपको एक डिजायर और दिखा देता हूँ जो आ रखी है अपनी बेस वेरियंट। देख लो, कोई स्टीयरिंग कंट्रोल कुछ नहीं मिलता, सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल कर चुकी है। सबसे मेन चीज जो गाड़ी अपने पास आती है वो है पावर विंडो। अतुल भाई बिल्कुल भैया, तो भाई ये देख लो, ये है बिफोर लुक आपके सामने जो कंपनी से आती है, और आफ्टर लुक ये है जो इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं जेन्युइन पावर विंडो। आ रही है भाई, ऐसा नहीं जो कुछ भी वर्किंग। तो भाई देख लो, हर एक चीज प्रॉपरली वर्किंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज इसके अंदर इंस्टॉल करेगी, पूरा पैनल इसके अंदर चेंज करेगा जेन्युइन। क्या चीज इंस्टॉल करिए भाई? जेन्युइन, हर एक चीज जेन्युइन। मेरे से ज्यादा ना भैया बताएंगे आपको, क्योंकि भैया यहाँ पे खड़े होकर हर एक चीज देखे हैं और लगवाए हैं। चलो भाई ठीक है, भैया से पूछ लेंगे। और वर्किंग आपके सामने रहने वाली, देख लो भाई प्रॉपर वर्किंग मिल रही है इसमें। अपना फ्रंट कंट्रोल भी मिल चुका है, प्लस अपना बैक एंड कंट्रोल भी मिल चुका है, जिससे आप अपने बैक कंट्रोल कर सकते हो इजिली। तो ये कुछ वर्किंग रहने वाली है अपनी बैक कंट्रोल की, जो आप फ्रंट से कंट्रोल कर रहे हो। चलते थोड़ा बैक एंड की तरफ। तो बैक एंड में बात कर लो तो यहाँ पर भी अपने पैनल्स पूरे चेंज करे गए हैं। इसमें भी घुमाने वाला सिस्टम आया था जिसे कन्वर्ट कर दे जेन्युइन पैनल के साथ। यहाँ पर अपने पास इनर हैंडल का ऑप्शन मिल जाता भाई, काफी स्टॉक में बढ़ेगा काफी। चलो भाई ठीक है, और बैक से वर्किंग देख लो, प्रॉपर वर्किंग मिल रही है आपको। जेन्युइन कैची इसके अंदर इंस्टॉल करी गई, जेन्युइन वायरिंग इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। कटिंग सिस्टम कुछ तो नहीं करा भाई? कपले सारे वर्किंग है, कंपनी जाके चेक करा लो अपनी चीजें को, कोई भी कंप्लेंट नहीं दिखेगा। चलो भाई ठीक है, किसी भाई को करवाना हो डिजायर में इंस्टॉल, तो बेस वेरिएंट में आती है ऐसी कुछ लुक, ऐसी कुछ आप कन्वर्ट करा सकते हो बेस मॉडल के अंदर ही। बाकी इसके अंदर हमने काफी, इसके अंदर हमने चारों डोर में स्पीकर अपडेट किया है, पावर इंस्टॉल किया है, और एक एंड्रॉइड इंस्टॉल करा गया है। ठीक है भाई, बाकी अपनी जो पूरी इंटीरियर वाली अलग लेवल में रेडी तो कर ही रही है, जो अपनी मेन आज रहने वाली है बिल्कुल प्रॉपर। उसमें हर एक चीज हो रहा है, जो चीज इसमें नहीं होना वो चीज सारा उसमें कन्वर्ट हो रहा है। मतलब टॉप मॉडल हो गया ना, डबल टॉप में जाने वाली है। चलो भाई चलेंगे उस गाड़ी की तरफ। सो भाई फाइनली यहाँ पर हो चुकी है अपनी डिजायर कंप्लीट। तो ये है अपने डे टाइम का रिस्पांस, आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। बाकी अगर बात करें हेडलाइट की तरफ चलेंगे, तो हेडलाइट में आपको फुल नाइट रिस्पांस आपको दिखाने वाला हूँ। अतुल भाई इस गाड़ी में बढ़िया काम कर दिया ना, ए टू जेड और फुल पावर काम हुआ है, नेक्स्ट लेवल आज गाड़ी हम फिर पूरी प्रॉपर कंप्लीट कर दी है। चलो भाई ठीक है, फ्रंट साइड से चलते हैं। तो यहाँ पर अपना हेडलाइट में लगाया है प्रोजेक्टर, इसकी एक नाइट क्लिप डाल देता हूँ, वहां पर आप एंजॉय करना इसका रिस्पांस और क्या कुछ रिस्पांस के साथ मिलने वाला है। तो भाई अब कुछ भाई बोलेंगे कि ये अंधेरा कहाँ से आ गया, तो भाई ये क्लिप मैंने रात को रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मेरे को दिखाना था लाइट रिस्पांस क्या कुछ मिलता है जब आप हेडलाइट में अपना प्रोजेक्टर इंस्टॉल करवाते हो और ऐसी कुछ फॉगलाइट्स इंस्टॉल करवाते हो। तो साथ में है अतुल भाई, तो भाई हेडलाइट की बात करें क्या कुछ कस्टमाइज करा है इसके अंदर? भाई हेडलाइट के अंदर हमने फिर एक नेक्स्ट लेवल वाली हेडलाइट मॉडिफिकेशन कर दी है यहाँ पे। इसके अंदर हमने आईपीएच का प्रोजेक्टर डाल दिया, उसका डीआरएल जो डाला है मिलिंग वाली डाली है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर की बात करें, रिंग वाला प्रोजेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल करा गया, प्लस ये टुकड़ी वाली डीआरएल रहने वाली है। भाई इसको ऑन करना है एक बार, तो इसकी ऑन पे क्या कुछ लुक मिलने वाली देख सकते हो भाई, क्या प्रीमियम लुक तरीके से ये ऑन हो रही है। तो सिंपली ये अपनी पार्किंग फीचर के ऊपर यहाँ पर ऑन हो चुकी है। भाई इसको ऑन करना बाकी, और तो जैसे आप इसको ऑन करोगे देखो भाई ब्लू हो गया यहाँ पर अपना रिंग कन्वर्ट, और इसकी ब्राइटनेस लेवल की बात करें क्या कुछ ब्राइट सेटअप इसके अंदर आप कन्वर्ट करने के लिए मिल रहा है। बाकी चलते हैं यहाँ पर फॉग लाइट की तरफ। तो यहाँ अगर बात करूँ अपने डीआरएल वाला कवर इसके अंदर इंस्टॉल करा गया, ये है अपना पार्किंग इंडिकेटर देना भाई एक बार, तो भाई इंडिकेटर पे सिंपली यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर देने मिलने वाला है, प्लस ये अपनी हेडलाइट की डीआरएल भी मैट्रिक्स लुक के अंदर आपको मिलने वाली देखने के लिए। पर मैंने आपको ओवरऑल सेटअप दिखा दिया क्या कुछ उसके अंदर अपग्रेड करा गया। चलते हैं अब रिस्पांस की तरफ। तो अभी यहाँ पर ये बिल्कुल अपना अंधेरी गली में आ चुके हैं, अंधेरा है बिल्कुल। पहले ओनली आपको फॉग लाइट रिस्पांस दिखाऊंगा, फॉग लाइट में अपग्रेड करा भाई, ऑन करना फॉग लाइट एक बार अपनी। तो भाई फॉग लाइट पे रिस्पांस दिखाया था, तो ये है कुछ फॉग लाइट का रिस्पांस। तो आप फॉग लाइट पे भी इजीली ड्राइव कर सकते हो। बाकी अगर बात करें इसके अंदर इंस्टॉल करा गया ट्रिपल कलर वाला फॉग लाइट, तो भाई इसको ऑन ऑफ करना, तो ये है कुछ चेंज, फिर से चेंज करना भाई। तो भाई ये क्या ब्राइट सेटअप अपना फॉग लाइट के अंदर भी अपग्रेड कर चुके हैं, बिल्कुल अंधेरी गली थी और ब्राइटनेस लेवल देखो क्या ब्राइट सेटअप यहाँ पर कन्वर्ट करा गया। बाकी भाई अगर फॉग लाइट बंद कर दो, बाकी फॉग लाइट अगर बंद कर दो और अपना हेडलाइट ऑन कर दो भाई, तो भाई ये देखो ये है ओनली अपना हेडलाइट का रिस्पांस। बात करें देखो आपको ये कलर चेंज मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉल करा गया प्रोजेक्टर विद अपना HID, जिसको लेता है भाई माइनर टाइम अपना बूस्ट अप करने के लिए। भाई इसकी लेवलिंग नीचे करना है एक बार, तो भाई लेवलिंग भी दिखाता हूँ कि लेवलिंग भी अपनी हेडलाइट की प्रॉपर वर्किंग मिलने वाली है। तो जो प्रॉपर अपना लेवल चल रहा है यहाँ पर, वापस ऊपर करना भाई एक बार, तो भाई लेवलिंग ऊपर तक जाने वाली है। और अपना डिपर मारना भाई इसमें अब एक बार,
तो भाई ये देखो क्या ब्राइट सेटअप यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं अपना प्रोजेक्टर के साथ यहाँ पर। सो भाई देखो ये है पूरा सेटअप ऑन और ब्राइट सेटअप बिल्कुल एंड तक आपको रोशनी मिलने वाली है और फ्रंट लुक ये मिलने वाली है आपके सामने कितना ब्राइट सेटअप कन्वर्ट कर चुके हैं। सारा काम हो रहा है भाई A4 कार सीरीज पे। साइड फेस में बात करें अतुल भाई क्या कुछ अपग्रेड करा है? साइड में हमने अपग्रेड किया है इसके अंदर हैंडल क्रोम, ठीक है, डोर वाइजर जो जेन्युइन रहने वाली है, फोर्स जो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जेन्युइन पार्ट अपना सिंपली यहाँ इंस्टॉल करा गया, उसके बाद लोअर गार्निश, ठीक है ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने मेरा पावर विंडो ऑटो फोल्डिंग डाला है, ठीक है, पावर विंडो सिंपली लॉक करने पे वो हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने लगाया है साइड बीडिंग जो प्रॉपर डिजाइन की बैजिंग के साथ आ जाएगी, और उसके बाद इसके अंदर हमने लगाया है पीछे से बात करें तो पीछे के टेल लाइट क्रोम, ठीक है, क्रोम आइटम सिंपली यहाँ पर पूरा इंस्टॉल करा है, किट आती है पूरी अपनी, ठीक है, बंपर प्रोडक्ट है, नीचे बंपर डाला है, नीचे रिफ्लेक्टर लाइट लगाए इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर अपना बोल रहा है इसके अंदर इंस्टॉल कराएगा, सिंपली प्रोटेक्शन का काम आएगा, प्लस अपने रिफ्लेक्टर जो मैट्रेस मिल जाएंगे, नाइट ज्यादा अच्छे दिखते हैं इसके अंदर। पीछे स्पॉइलर लुक वाइज में, ठीक है, तो ये कुछ अच्छी लुक आ रही है अपने स्पॉइलर की यहाँ पर देखने के लिए, तो ये पूरी कुछ लुक है, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अतुल भाई को दिखा देना आपकी गाड़ी में सेम है इंस्टॉल कर देंगे। बाकी चलते हैं कार के अंदर, बाकी आपको कार की लुक दिखा देता हूँ। तो भाई ये डोर पैनल की लुक है अपनी जो मिलने वाली है देखने के लिए, तो भाई क्या कुछ अपग्रेड करा अपने डोर पैनल के ऊपर? डोर पैनल के ऊपर हमने लेदर रैपिंग कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग के साथ, इसके अंदर एम्बिएंट लाइट डाल दी है लेकिन डबल किट के अंदर डाला है, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया है K3 और इसके ऊपर लगा दिया एम्बिएंट कार्डी K2, ठीक है, भैया को मतलब की फुल लाइटिंग सेटअप का जरूरत था, फुल लाइटिंग सेटअप का कुछ इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए थी गाड़ी के। चलो भाई ठीक है, पहले आपको ओवरऑल कार के लिए दिखा दूं क्या कुछ लुक यहाँ पर एनहांस कर चुके हैं डिजायर की। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम थीम आप अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। भाई देखो ये कुछ लुक मिलने वाली है आपको डिजायर की आज देखने के लिए, तो अतुल भाई स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो यहाँ पर अपने इंस्टॉल करेंगे डिजायर की स्कफ प्लेट, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग के साथ प्रॉपर वेलकम प्लेट हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया डिजायर की बैजिंग के साथ, बोलते वेलकम टू डिजायर। चलो भाई ठीक है, नीचे अगर बात करें अपनी फ्लोरिंग करी गई क्या कुछ बेनिफिट रहते भाई फ्लोरिंग के अपने? फ्लोरिंग के भी है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना, फ्लोरिंग का बहुत खास कीमत और खास अच्छी चीज होती है जो भाई वाटर प्रूफिंग के लिए गाड़ी हमारा सबसे बेस्ट हो जाता है इसके अंदर, बच्चे कुछ खाते पीते भी है ना तो गाड़ी सेफ रहता है, ये नहीं जो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है बदबू वगैरह से गाड़ी सेफ रहता है, ठीक है। नीचे अगर बात करूँ नीचे अपने 70 मैट्स इंस्टॉल करे गए बेज कलर के अंदर, सिंपली कार के इंटीरियर मैचिंग के हिसाब से, नीचे की पूरी मैचिंग के हिसाब से हमने इसके अंदर 70 मैट इंस्टॉल कर दिए हैं, ऊपर जो हमने रूफ किया है ये भी हमने बेज के अंदर ही किया है, तो बाकी नीचे की कंट्रास्ट के अंदर हमने सिर्फ इंटीरियर लुकिंग किया है। तो भाई सीट कवर की तरफ चले, पहले वो प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं, प्लस अपना आर्म रेस्ट, तो भाई ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग चीज है जो भाई ने दिखाई थी फर्स्ट टाइम, अब तक हर गाड़ी में लगाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं गाड़ी में और सबसे ज्यादा डिमांडेड पे ये चीज। और उसके बाद जो हमने सीट गोर के अंदर मेन काम किया ना, सीट गोर के अंदर जैसे कि मैं बता रहा हूँ हम एक्स्ट्रा कम्फर्ट आपको हर बार दिखाए हैं, आज कुछ नया लुक के साथ ना हमने कम्फर्ट वाली सीटें दिखा दी आज आपको, ठीक है भाई। कौन सी क्वालिटी में सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल करे गए हैं? इम्पोर्टेंट क्वालिटी रहने वाला है ये भी, इम्पोर्टेंट शाखा और फुल पावर रहने वाला, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लाइफ टाइम वारंटी रहने वाली। इसके अंदर हमने मत्थे पे स्टिचिंग डाल के बर्फी वाली और नीचे जो है ना स्टिचिंग डाल दी डबल लोड की, साइड में माला डाल दी है, ठीक है, कंट्रास्टेड लुकिंग बना दी हमने जारी और वाइट के साथ, ठीक है। बाकी कार के अंदर बैठ के आपको ओवरऑल कंफर्ट बता देता हूँ। सो भाई यहाँ पर कार के अंदर कर चुके हैं एंटर, तो यहाँ पर आपको कार की ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कुछ लुक आ रही है अपने डोर पैनल्स के ऊपर, प्लस यहाँ पर अगर बात करें पिलर्स भी अपने पूरे रैप करे गए हैं, ABC सारे पिलर अपने पूरे रैप कंप्लीट करे गए हैं और अपना डैशबोर्ड भी रैप करा भाई इसके अंदर, सारा इसके अंदर हमने रैप किया है, डैशबोर्ड लेके पिलर लेके ऑल ओवर गाड़ी हमने अपनी रैपिंग से कम्प्लीटेड किया है, ठीक है भाई। अगर एक बात करें खर्चे की, कितना मोटा मोटा खर्चा आता है कुछ इंटीरियर करवाना हो तो? भैया सेम इंटीरियर, अगर इंटीरियर के अंदर आते तो लगभग 15-16 हज़ार रुपए आपको चाहिए इंटीरियर के अंदर ऑल ओवर में, ठीक है, 15-16 हज़ार रुपए के अंदर आप ये पूरा सेम इंटीरियर कन्वर्ट करवा सकते हो। बाकी अगर बात करें आमरस की, कितना कुछ खर्चा आता है? आमरस के अंदर भी आपका खर्चा आता है 4000 विद पूरी प्रॉपर वर्किंग के साथ, ठीक है, 4000 रुपए में सिंपली अपनी गाड़ी के अंदर आप आमरस ये इंस्टॉल करा सकते हो, कोई भी कार के अंदर हो जाएगा भाई इंस्टॉल, कोई भी कार ही लिया हो कोई भी गाड़ी है, मेरे को एक बार फोटो भेज देना पहले गैपिंग की, जो मेन ना गैपिंग की इश्यू होती है, हाँ, उसके बाद मैं कोई भी गाड़ी में, ठीक है। प्लस अगर बात करूँ भाई डैशबोर्ड पर, यहाँ पर अपनी एम्बिएंस लाइट इंस्टॉल करी गई है, ये है अपनी K3, ये है पाइपिंग वाली, देखो भाई यहाँ पर दोनों आपके सामने रिस्पॉन्स रहने वाला है। K3 में सिंपली अपनी
डे टाइम पे भी रिस्पांस मिलता है, लेकिन अपने ऐसे कुछ मूवमेंट मतलब ये कर्व्स हम कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी K3 या फिर K4 के अंदर। और भैया को चाहिए था फुल लाइटिंग सेटअप कन्वर्ट करवाना था ना, हाँ जी, कि रात का टाइम चलते हुए कुछ अलग ही लेवल की दिखे, तो यहाँ पर वो कन्वर्ट करी गई है। इस वाले पार्ट के ऊपर पूरा MS लाइट की लुक देने में मिलने वाली है, प्लस अपने डोर पैनल्स के ऊपर भी। बाकी अगर बात करें भाई सिस्टम के अंदर क्या कुछ अपग्रेड करा है इसके अंदर सिस्टम के अंदर जीवा का सिस्टम डाला है 232, और प्रॉपर वर्किंग इसकी मैं आपको चेक करा देता हूँ, जैसे कि देखो ठीक है विद एप्पल कारप्ले है। तो भाई देख लो एप्पल कारप्ले सिस्टम है, जेड लिंक मिलने वाला है, मतलब सिंपली आप ब्लूटूथ ऑन करोगे, जेड लिंक पे क्लिक करोगे, आपको फोन इसके अंदर प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा, और जितना भी यूज उस टाइम होगा ना प्रोसेसर, वो आपके फोन का प्रोसेसर यूज होगा इसके अंदर। AVN के थ्रू सिंपली अपना फ्रंट कैमरा ऑपरेट कर सकते हो, यूट्यूब मिलने वाला है, प्राइम वीडियोज मिल रहा है, DSP सेटिंग्स है, प्ले स्टोर है, Gmail ID लिंक कर आप कुछ भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो, प्लस अपना स्टीयरिंग कंट्रोल भी दे लो, प्रॉपर वर्किंग मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई सिस्टम चेंज करा हो तो यह वर्किंग नहीं मिल रहा। स्टीयरिंग की बात करें भाई क्या कुछ स्टीयरिंग पे अपग्रेड करा है स्टीयरिंग के अंदर, हमने इसके अंदर जो हमने लगाया है टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग तो आए थे कंपनी से, हमने रैपिंग कर दिया इसके अंदर। बाकी इसके अंदर भी किसी भाई को टॉप मॉडल जो है डी फिनिश मिल रहा है देखने के लिए ना भाई, बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगी, अपने पास टॉप मॉडल वाली स्टीयरिंग अवेलेबल रहता है जब दिल करे आप आके। ठीक है, ये कुछ लुक मिलने वाली है, टक टू टक फिटमेंट मिलने वाली है। पहले अपना कपड़ा पूरा पेश करा गया, बंदे ने सिलाई करी भाई, कितनी मेहनत और तरीके से सिलाई करी जाती है यहाँ पर, और ये कुछ काढ़ी की प्रीमियम लुक भाई ने एनहांस कर दिया है, और पूरी अपनी यहाँ पर सॉफ्ट कपड़े में पूरी यहाँ पर रूफ रैप कर चुके हैं। इसमें भी बड़े सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपका सीट को लगे ना उसी इंटीरियर में भी करा सकते हो, मतलब ब्लैक वगैरह आप जो भी दिल करे, और इंटीरियर भी कोई भी कलर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो आपका कलर आप बोलेंगे उस कलर में। और कितना कुछ टाइम लगता है भाई ऐसा कुछ काम करा देता है? देखिए टाइम देना होगा कम से कम इंटीरियर के अंदर एक दिन का आपको समय लेके आना पड़ेगा, मेरे पास समय लेके आएंगे जब काम तसल्ली वाला। ठीक है, प्लस अपना डैम्पिंग करी गई है, तो कितना साइलेंट कैबिन यहाँ पर बन चुका है, बाहर का 1% नॉइज नहीं आ रहा। स्पीकर्स की बात करें क्या कुछ अपग्रेड करा भाई? इन्फिनिटी का स्पीकर डाला है, आगे कंपोनेंट पीछे को एक्सेल सेटअप। ठीक है, अपना पूरा सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, कंपनी का स्टॉक सिस्टम आया था रिमूव कर दिया, स्पीकर आए थे रिमूव कर दिए, यहाँ पर अपना एंड्रॉइड इंस्टॉल कर चुके हैं, क्योंकि भाई ड्राइव करते हैं कह रहे हैं वीडियोस प्ले करनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद हमने यहाँ कर दिया वाइट। ठीक है, ये अपने वाइट कर दिया भाई। हेडलाइट कस्टमाइज करवाना हो मोटा कितना कुछ खर्चा आता है? लमसम भैया हेडलाइट के ऊपर डिमांड करता है, मतलब स्टार्टिंग में आती है 8,000 रुपए से, जाने के लिए आप अपना 25,000-35,000, मतलब 8,000 रुपए से अपनी हेडलाइट आप कस्टमाइज करवा सकते हो। तो भाई ठीक है, बढ़िया कुछ क्वालिटी में सिंपली वर्क मिले, प्राइसिंग की बात पूरी कर लिया, इस पूरी गाड़ी की मोटा मोटा बिलिंग कर ले भाई कितना कुछ खर्चा आ रहा है लमसम भैया इसके अंदर? नहीं नहीं करते करते तो 50 से 60 में सारा काम भाई, लेकिन 50-60 हजार में पूरी गाड़ी अलग लेवल में रेडी कर चुके हैं, हर एक चीज इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं भाई साउंड आउटपुट की तरफ, आपको अगर क्लैरिटी सुनाया तो। अतुल भाई मतलब इसके अंदर कुछ बेस वेस भी इंस्टॉल करिए क्या? बिल्कुल, बेस टू बेस के अंदर हमने इंस्टॉल किया है हाइपरसोनिक का 1800 वाट। ठीक है मतलब भाई बहुत बढ़िया साउंड सेटअप यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, मतलब भाई ने भाई इतना खर्चा कर दिया गाड़ी में, लेकिन कुछ प्रीमियम लुक आ रही है भाई मेरे हिसाब से। साउंड सेटअप भी बढ़िया, इंटीरियर भी बढ़िया, हेडलाइट बढ़िया, चलते ही रोड पे जाएगी ना भाई बंदे देखेंगे इसको। बिल्कुल, क्या है ना भाई ने जितने भी पैसे खर्चा है ना, लेकिन एक बात बताऊंगा प्रीमियम क्वालिटी और जो भी क्वालिटी इन्होंने लगवाया ना गाड़ी के अंदर टॉप का लगवाया, कोई भी एक भी आइटम मेरे को ऐसा नहीं बोले इन्होंने जो बेसिक लग। चलो भाई ये बहुत बड़ा प्रीमियम वर्क में सिंपली डील करा गया भाई। आना कहाँ पर है? करोल बाग अब्दुल अजीज रोड पे अपना शॉप है, A4 कार एसेसरीज। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911567108, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप आके मेरे से मिल सकते हैं, काम करा सकते हैं, मेरे से हर एक चीज की डिटेल ले सकते हैं। और जिस तरीके से हमने इस गाड़ी को कंप्लीट किया है, मैं चाहूंगा आपकी भी गाड़ी ऐसी मैं कंप्लीट करूं और कुछ नया लुकिंग के साथ। भाई काम तो सभी करता है, लेकिन जो दिल से करता है ना उसका मजा ही अलग होता है। तो 2 दिन भैया ने दिया इस गाड़ी के पीछे, कल आए थे, आज इनकी गाड़ी जा रही है, आज सुबह का टाइम गाड़ी जा रही है यहाँ पर। और भाई ये देख लो, मैंने एक गाड़ी आपको और दिखाई थी, उसके अंदर भी सेम ये डोर पैनल इंस्टॉल करते, पावर विंडो जेन्युइन पार्ट A to Z मिलने वाले भाई अतुल भाई के पास। आना आपको A4 कार सीरीज के, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है, लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी डिजायर लेके आओ, बेस मॉडल यहाँ से प्रीमियम वर्क टॉप मॉडल बन के जाएगी। बिल्कुल, बेस मॉडल लेके आओ, टॉप में कन्वर्ट कराओ, हम करने के लिए बैठे हैं, जो दिल में आए सब चेंज कराओ, साइड मिरर, मीटर, पावर विंडो, मेन तो हमारे गाड़ी के लिए यही होता है।
बाकी अगर अंडर के इंटीरियर की बात करें उसके अंदर भैया आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई इंटीरियर की फिनिशिंग देख लो, क्या एक्यूरेट फिनिशिंग मिल रही है, कॉर्नर टू कॉर्नर फिनिश मिल रहा है, कोई आपको गैपिंग वैपिंग नहीं मिलने वाली। चलते हैं भाई कस्टमर के पास, उनसे काम उनको कैसा लगा। साथ में अपने प्राउड ओनर सर, क्या नाम है आपका? श्रीराम सर। आपका कहाँ से आए थे? मैं देहरादून से आया हूँ। देहरादून से दिल्ली आने का फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। कैसे लग रही है गाड़ी की ओवरऑल लुक? बहुत बढ़िया और एकदम स्पोर्टी लुक लग रहा है, जितना मैं चाह रहा था उससे बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरे। और बजट में काम हुआ सर आपके? बजट में काम हुआ है। और हेडलाइट कैसे लगी मॉडिफाई वाली? हेडलाइट मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छे है, सुपर फैंटास्टिक एक्सीलेंट है। चलो 10 में से रेटिंग देनी है भैया को काम को कुछ? बहुत बढ़िया काम है उनसे, अच्छा इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। ठीक है, अगली बार आने की कोई बार सोच रहा हूँ डिजायर यहाँ पर लेके आने के लिए। पैसे वसूल रहेंगे उसके? 100% पैसे वसूल है। चलो ठीक है। अतुल भाई आना कहाँ पर है? दिल्ली कुरुनबाग फर्स्ट स्टॉप A4 कार एसेसरी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फिर बता रहा हूँ, 9911567108 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, हर एक चीज़ की लिस्ट लीजिए, आइए कोई दिक्कत नहीं। जैसे भैया की गाड़ी में काम किया अपना समझ के, वैसे आप लोग की भी गाड़ी में काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा काम के लिए। भैया ने दिया हमारे कितने दिन? एक दिन दिया पूरा अपने लमसम। उन्हें आपको एक दिन दिया पूरा एक दिन भैया ने काम के लिए दिया, काम तसल्लीपूर्वक। चलो ठीक है भैया, ऐसे कर दो।